नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सबको जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आज अपनी इस वीडियो से मैं न्यूमरोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। न्यूमरोलॉजी में किस तरीके से नंबर्स का इफेक्ट होता है, वो जो नंबर्स हैं जो हमारे बर्थ डेट से जुड़े हुए होते हैं, किस तरह हमें इम्पैक्ट करते हैं, कौन से नंबर का क्या असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, नंबर्स के क्या ट्रेड्स होते हैं, किस किस नंबर का क्या ट्रेड, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इन नंबर्स से कैसे हमारी लाइफ में, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, हर पल हर लम्हा जो हमारी जिंदगी में नंबर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, वो किस तरीके से हमें इफेक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हमारी लाइफ में आ रही है उसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, और किस तरीके से इन नंबर्स की हेल्प से हम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका सपना हम देखते हैं, तो ये सब मैं अपने वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप उसे वीडियो के उसमें क्वेरी बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है, वो शास्त्र है जिसमें हम नंबर्स के ऊपर स्टडी करते हैं। 1 to 9, एक्चुअली 0 का भी महत्व है पर हम मोस्टली 1 to 9 नंबर्स के ऊपर काम करेंगे। तो जो ये 9 नंबर हैं, किस तरीके से मैजिकल वे में ये नंबर्स हमारी लाइफ में अपना असर दिखा रहे होते हैं और हमको उसका पता भी नहीं चलता। देखिए, नंबर्स हमारे साथ तभी जुड़ जाते हैं जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं। पैदा होते ही एक डेट और एक टाइम हमारे साथ जुड़ जाता है, वो डेट जो जिंदगी भर हमारे ऊपर अपना एक इम्पैक्ट बनाए रखती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके के कर्म हम करते हैं पिछले जन्म में, वो जो कार्मिक चक्र है वो चलता रहता है, और उसी कर्म के हमारा जो उसी कर्म का जो फल होता है ना, उसके अनुसार ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, उसके अनुसार ही हमें ग्रिड में वो नंबर्स मिलते हैं जो हमारी ग्रिड में आते हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये पिछले जन्म से और पता नहीं हमारे कितने पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ एक फल होता है जो हमें इस जन्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ के रूप में मिलता है, और उसी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं वो पूरी जिंदगी हम पे अपना एक असर दिखाते रहते हैं, और हम उन नंबर्स के सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके जो क्या बोलते हैं ना, फल होता है, उसे भोगते रहते हैं। तो इन वीडियोस के जरिए मैं आप लोगों को ये बता पाऊंगी कि किस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं या जो आपके बर्थ डेट में जो कॉम्बिनेशन बैठता है, एक होता है आपका साइकिक नंबर जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर होता है, और एक होता है आपका लाइफ पाथ नंबर जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। इन दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। आपके ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो लोशो ग्रिड है हम उसको फॉलो करते हैं, तो लोशो ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आए हैं उसको किस तरह से फिल करके हम देख सकते हैं कि कौन से नंबर का क्या इम्पैक्ट है, ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, और किन नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट दिखाता है। इसी तरीके 9 के 9 जो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, कौन से नंबर्स हमारे एनिमीज हैं, कौन से नंबर्स हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन सा कलर हमारे लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें हम इन वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे देखिए वो आपकी जॉब हो, मैरिज हो, चाहे वेल्थ की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे हम अपने नेचर की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, कोई भी चीज़ हो, क्या इन सब में ये नंबर्स हम पे इम्पैक्ट डालते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डालते हैं। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें पता चल पाता है कि हम किस तरीके की पर्सनालिटी हैं, हम किस काम के लिए बने हैं। हर नंबर के साथ एक कॉस्मिक एनर्जी जुड़ी हुई है, एक वाइब्रेशन जुड़ी हुई है, तो वो नंबर्स उसी के अकॉर्डिंग अपना इफेक्ट दिखाते हैं। कोई नंबर होता है जो कि किसी दूसरे नंबर का बहुत ही फ्रेंडली होता है, कोई नंबर होता है जो एक दूसरे से बहुत ही एनिमी होते हैं, एक दूसरे से पूरी दुश्मनी निभाते हैं। कुछ नंबर्स हमारी ग्रिड में ऐसे होते हैं जो मिसिंग हैं, कुछ हमारी ग्रिड में रिपीटेटिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बार आ गए हैं। तो ये सब अपना क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर दिखाएंगे, ये सब कुछ हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। न्यूमरोलॉजी ही वो स्टडी है जो हमें ये बताती है कि हम किस काम के लिए बने हैं।
ऐसा कौन सा फील्ड होगा, क्या ऐसा प्रोफेशन होगा जिसमें अगर हम काम करें तो वो हमें ज्यादा सूट को होगा और हम उसमें अपना ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे पाएंगे और फिर उसके बाद हम वो खुशी महसूस कर पाएंगे उस काम को करके कि हाँ हम इसी के लिए बने थे। इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और अब तो मैं नहीं कह सकती मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ क्योंकि इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग किया था पर मैंने उसको एज प्रोफेशन कभी भी नहीं लिया। कुछ साल मैंने एज अ फैकल्टी काम किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। फैमिली लाइफ में पूरी तरीके से बच्चों के साथ अपना वो हो गई। उसके बाद कुछ सालों बाद आई थिंक 2008 में आई डिड एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बनी हूँ या मैं न्यूमरोलॉजी के लिए बनी हूँ या मैं ऑकल्ट में आ सकती हूँ। पहली बार मैंने एस्ट्रोलॉजी किया और ये महसूस किया कि ये वो सब्जेक्ट है, ऑकल्ट साइंस वो सब्जेक्ट है जो मेरे लिए बना है, जिसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि आई वॉज लाइक, मुझे होता ना एक कि मैं अपने आप को पूरा महसूस कर रही थी कि हाँ मैं इसी सब्जेक्ट के लिए बनी थी, इसी का इंतजार शायद था पर मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे करना चाहिए। बट मैंने उसको तब भी प्रोफेशनली ऑप्ट नहीं किया और आफ्टर 8 ईयर्स मैंने वास्तु किया, देन आई डिड न्यूरोलॉजी और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भगवान मुझे रास्ते आगे दिखाते गए और तब जाके मुझे पता चला जब मैंने न्यूमरोलॉजी की स्टडी की कि मेरे जो कॉम्बिनेशंस हैं दैट आर दोज आर बेस्ट बेस्ट सुटेबल फॉर ऑकल्ट साइंस। तो मैं बनी ही ऑकल्ट साइंस के लिए थी। तो अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो कितना अच्छा होता। पर ऐसा कहते हैं ना ऑकल्ट में सबसे बड़ी चीज़ ये कहते हैं कि जब जिस चीज़ का टाइम आता है तभी हमें उसके बारे में पता भी चलता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज चेक करें या न्यूमरोलॉजी करवाएं अपनी तो हमें पता चल सकता है कि हमारे लिए बेस्ट सुटेबल फील्ड कौन सी रहेगी जिसमें हम अपना पूरा कहते हैं ना अपना अपने आप को पूरी तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट कर, न्यूमरोलॉजी से हम अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं। नए बच्चा जो जिसका एक न्यू बॉर्न बेबी है हम उसका नाम न्यूमरोलॉजी पे रख सकते हैं कि जिससे उस बच्चे को वो सारी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े जो कि अगर हम डायरेक्ट बिना सोचे कोई नाम रख देते हैं और उसकी वजह से बाद में जाके उसका इम्पैक्ट हम हमको पता चलता है कि क्या आ रहा है। इतनी सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी पे जिसमें हम बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आप चैनल पे बिल्कुल फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो पता चलते रहें। नमस्कार।